जाली पटिया ओ क्या तुम सिया वोठ पे लाली रहो पे चलते चलते नैना मारी गई। घर में नहीं जा सकती, गाली दिया देख डॉक्टर के मालिक को गाली देने का अंजाम क्या होता है। तेरी जो गोरी गोरी चमड़ी है खुरच कर गाली कर दूंगा, तेरी सूरत से तुझे बदसूरत कर दूंगा, जब कोई भी इंसान देखेगा तो तेरे पे भी कहता हूं मेरे साथ में चलो। देखो भैया आप मेरे बड़े भाई हैं इसलिए मैं आपके आगे हाथ इस जगह पर रिश्ता भाई बहन का नहीं, मैं भी किसी को जुबान दे क्या कहना मान मेरे साथ में प्रधान की हवेली पे चलो, नहीं चलेगी बात तुझे पंची चपड़ा। नहीं आपकी जिसको चाहो उसे लेते हो तुम उठा और होगा परमात्मा देख के नाराज। मैं नहीं समझता था कि तू इतना गिर जाएगा, आखिर तुझे क्या हो गया मेरे भाई। जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते चुपचाप चले जाओ ताकि जब मामला बंसी का है। बड़े भैया मैं समझता हूँ आपकी सदैव बात मानिए लेकिन आज आपकी बात बिल्कुल नहीं मानूंगा भैया। मैं आपके सामने हाथ जोड़कर विनती करता हूँ इस लड़की को छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। मैं चला जाऊं शायद तुझे नहीं मालूम है बंसी किसी को जुबान दे क्या है, जुबान से मुकरने वाला बंसी नहीं। तो आप भी जान लीजिए भैया आपका ही ये भाई रामदास है, चाहे मेरी जान चली जाए लेकिन इस लड़की को आप हमारे जीते जी नहीं ले जाए। तेरी ये हिम्मत हो गई इस लड़की को मेरे हाथों से तू रोकेगा क्यों नहीं, अगर तेरी भुजाओं में इतनी ही दम है तो रोक ले इस लौबिया को। तो तू इसे जबरदस्ती ले जाएगा यहां से, देखता हूं तू कैसे ले जाता है। तो मान जब तू बंसी हाय भैया मेरे और फौरन यहां से अभी तुम चले जाओ। जोड़ कर हाथ बिनती मैं भैया करूं जोड़ कर हाथ बिनती मैं भैया करूं इसके चक ठीक है मेरे भैया अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं भैया मुझे मजबूर मत करो अमानत किसी और वरना मैं ये भूल जाऊंगा कि तू मेरा बड़ा भाई है। तेरी ये औकात हो गई मेरी आज तक पंची मात बड़े भैया अगर क्रोध आ गया तो ये समझ लो वो चंपा के दिन चले गए, आज नीतू का मामला है। अगर जो हमारा कहीं हाथ उठ गया तो ये समझ लो तुम इस गांव में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे।
मैं कहता हूं चले जाओ बड़े भैया, क्योंकि बंसी एक बार नसीहत देता है दोबारा नहीं। मैं भी तुझे अच्छी तरह से अपनी मुफ्त में जान खोना चाहता है। बंसी एक जुबान का पक्का इंसान है। जिस माँ का तूने दूध पिया है उसी माँ का मैंने भी दूध पिया है। आओ देखते हैं इसे कौन ले जाता है उठाकर। रामधाल को मारकर गोली भैया तुम चले गए। एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे भैया के दर्द होगा या नहीं। तू कितना निर्दयी हो गया है। या भगवान मैं कहां जाऊं क्या करूं, कैसे नीतू को बचाऊं। अब मैं अपनी माँ के पास चलता हूँ, सारी हकीकत माँ से बताऊंगा। कहां हो भैया, से पैदल चलो न जाए। भैया तुम कहाँ हो मेरी माँ, आते को तुम्हारे भैया ने क्या हाल कर दिया है मेरा। हाइबत से पैदल चलो न जाए, दिल चलने से मजबूर। अरे भगवान बता दे तेरी मैया कितनी दूर। पैदल चलो ना जाए, पिया घबराए, व्याकुल बेदर्दी हीरा मन तड़पा। अरे सब नहीं होता यार, जब तक पंछी उस नीतू को लेकर के नहीं आता है। क्यों नहीं, चलो कोई बात नहीं, इंतजार करते हैं यार। सभारा प्रधान चपड़ी अमानत, और ये नहीं पूछोगे कि बंसी इसको लाने में क्या से क्या नहीं किया है। ओ बंसी, पलवा के लाने में क्या क्या नहीं तुमने किया है। जिस वक्त नीतू को उठाने गया उसी वक्त मेरा भाई रामदास आ गया। क्या तेरा भाई, क्योंकि बंसी जुबान का पक्का है, मानता हूं। जिस वक्त मेरा भाई आ, बंसी अपने भाई की तरफ नहीं देखा, आपकी जुबान को कायम कर रखने के लिए अपने भाई रामदास के भी गोली मार दी। ओ, देखा, कहते हैं बात वाला इंसान हो तो बंसी जैसा हो। ठीक है नौकर, यहाँ जाओ बंसी को 20,000 रुपए और साथ ही क्रम की बोतल, और अपना ये पिस्तौल जरा अब मुझे दे दो। प्रधान जी, अपनी अमानत चाहिए, आपकी अमानत आपके पास मौजूद है। ठीक है मेरे दोस्त, ओ पीडीसी, देखा बंसी ने कितना काम बुलंद किया है, आखिर खून किसका है। मेरे दोस्त कहो, अरे काम बंसी ने किया बुलंद क्यों नहीं जानते हो,
और काम बंसी ने किया फुलानी अरे से कमूरे में कर दो क्यों नहीं ऐसा होगा तो इस पे नंबर रात में हर लगे मेरा दुश्मन क्यों नहीं उसी बातों में कोई करना चाह इनकार करेगी वहां पे ये फर फल इसे कबू रे में कर दो बंद ले जाओ ले जाकर किसे कमरे में बंद कर दो इससे मुलाकात शंकर प्रधान रात में करेगा लाओ मेरे साथ चल और तुझे तेरा उद्धार नहीं होगा क्योंकि प्रधान जी को सीतापुर विधवा मीटिंग के उद्घाटन में जाना है जब वहां से लौटेंगे कहो मुझे जाने दीजिए जाने दे बात प्रधान जी को सीतापुर लौटने के बाद में पहले वो तुझ पे नंबर रखेंगे और उसके बाद में मैं आओ आओ सब तख्ता पलट जाए मेरे फरमान से कौन ऐसा पीर है जो फतेह पाए करण सिंह का क्रोध की ज्वाला हूं क्रोध की ज्वाला हूं मैं पिसता हूं महासागर चाल का बेधु प्रलंब का अरे जब तक हृदय में शांति है तब तक मल और जो भर दिया क्रोध में तो समझा अरे काल हूं बेटाल हूं कालो का मैं काल हूं ऐसे छिपके डस लू वो जहरीला काफी वक्त हुआ अभी तक कोई साथी नहीं आए ना तो पहाड़िया मेरे भाई से दुनिया कापे मेरे भाई से दुनिया कापे सूरज चंदा मौन हो और मैं हूं जगत का नारायण मुझसे बढ़कर शेर मेरी खौम में जंगल का रहना छोड़ दे शेर मेरी खौम में जंगल का रहना छोड़ दे और छोड़ दे नदी पानी का बहना छोड़ दे और तक पल तो हिंदुस्तान का बोझ अभी तक मेरे कोई साथी नहीं दिखाई पड़ रहे अब मुझे चल करके देखना चाहिए कि मेरे ग्रह के लोग किस तरफ गए हुए इस पहाड़ी पे भी नहीं है साथी कहां गए पीली पहाड़ी पे चलूंगा सरदार जी जय शंकर की जय शंकर की मंगल सिंह कहिए सरदार जी सच बात है कि अभी तक अपना पहाड़िया दिखाई नहीं पड़ रहा है मंगल सिंह हम आपसे कुछ जानकारी करना चाहते हैं कौन सी बात है जो मुझसे जानना चाहते हो तो सुनो हमारी बात तो कहो सरदार जी तो ये और मंगल सिंह आइए और मंगल सिंह आइए तुमसे पढ़कर न कोई वफादार है क्या खबर लाए हो आपकी बात पर सरदार जी जानना चाहते हो तो सुनो मेरी बात मैं उससे आपसे बताऊंगा तो
की गिरफ्तारी का और वारंट चारों तरफ पुलिस वालों ने करवाया ऐलान है और जिंदा मुर्दा गिरफ्तार और कर्जे करे रख 50,000। मर्दों का सिंगार है, मार कर जाऊंगा या मर जाऊंगा जंग में। हम सरदार जी तो दुनिया में पैदा नहीं और कोई माई का सरदार जी तुम तो जानते हो कि हमारा काम क्या है। जो लूटा हुआ धनबाल कौन हो आप लोग? मैं मुसीबत का मारा दर दर की ठोकरे खा रहा हूं। मैं चंबल की तरफ जा रहा था। आप कौन लोग हैं? हम लोग डाकू हैं। क्या डाकू है? नहीं नहीं, आप लोग जब डाकू हैं तो नहीं सरदार जी, मैं मुखबर नहीं हूं सरदार जी। मंगल सिंह, ये हमें दर्द का सताया हुआ है, मुसीबत का मारा है। ऐ लड़के, हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। क्या पूछना चाहते हो सरदार जी? ऐ लड़के तुम कौन हो, क्या है तेरा नाम, किसके हो तुम लाडले, कहाँ तुम्हारा और आजमी खान मेरा नाम है और पिपरी मेरा मकाम। और कमती डूबी दासता दर दर ठोकर खाए। क्या कहा? आजिम खान तुम्हारा नाम है और तुम दादर की ठोकरे खा रहे हो? जी हां सरदार जी। और चुप रहो चुप रहो चुप रहो जवान। चुप रहो चुप रहो चुप रहो जवान। तर तो थम जी, गम की दरिया में डूबी मेरी दास्ता।
तो मुझको सहारा सरदार दी। लूटा बहन की आबरू शंकर सिंह प्रधान है। सुन लो सरदार जी, लूटा बहन की आबरू शंकर सिंह प्रधान है। दर दर मैं हूँ भटक रहा, सहारा नहीं आता नजर। अरे दे तो मुझे को सहारा सरदार जी। लेकिन लड़के, हमारे ग्रोह में आए हो, हमसे क्या मदद चाहते हो? हमसे तुम्हें सिर्फ नहीं तो धन दौलत, नहीं तो सोना चांदी खजाना चाहिए। हमें सिर्फ आपकी कहने का मतलब तुम्हारा है कि तुम डाकू सहारा चाहिए। और आप सहारा जो दे दोगे सरदार जी, तो उन दरिंदों तक आप लोगों की मदद से ये आजिम खान अवश्य पहुंच जाएगा। कहने का मतलब तुम डाकू बनना चाहते हो? जी हाँ। लेकिन तुम्हें ये बात मालूम होना चाहिए कि डाकू की जिंदगी कोई जिंदगी नहीं बल्कि एक पानी का बुलबुला है। डाकू की जिंदगी कोई जिंदगी नहीं बल्कि एक पानी का बुलबुला है। कौन सा साथी किस मोड़ पे? सच कह रहे हो सरदार जी, मगर जिसकी बहन की इज्जत को तार तार कर दिया जाए, तो उसके भाई को इस जिंदगी से जीने से उसकी मौत अच्छी है। तो हम आपके शरण में रहेंगे, भले आपकी गोली खाकर या दुश्मन की गोली खाकर मर जाना अच्छा है सरदार जी, मगर आपका सहारा मुझे जरूर चाहिए। सरदार जी, आप तो जानते हो, जब किसी गरीब बेसहारा जब ही हमारे तुम्हारे शरण में आता है, बिल्कुल सही, जब उसकी इज्जत बेइज्जत हो जाती है, घर से वो बेघर हो जाता है, दर दर की ठोकरें खाता है, तब वो इंसान डाकू बनने पर मजबूर हो जाता है। लेकिन मंगल सिंह, ये लड़का आया है अपने शरण में, इसे शरण जरूर मिलेगी। सच कहते हो? खिलाओ इसे कसम, खिलाओ और इसे माँ भवानी दो। अब तो जानते हो कि हमारे कबीले का कुछ वसूल है, जो भी वसूल, क्योंकि हमारे कबीले में आने वाले को कसम दी जाती है, मुझे ताकि कोई भी हमारे कबीले वालों के साथ गद्दारी और मकारी नहीं कर सकता है। चलो, हर बात आपकी मंजूर है सरदार जी। ये लो काली भवानी, और इस काली भवानी की कसम खाओ कि हम अपने कबीले वालों के साथ कभी गद्दारी और मक्कारी नहीं करूंगा, नहीं तो बहन बेटियों की इज्जत लूटूंगा, नहीं तो बेसहारों का घर में डाका डालूंगा। ये रुको सरदार जी, मैं इससे भवानी की सौगंध खाकर कहता हूं, किसी साथी और किसी के साथ गद्दारी नहीं करूंगा, और गरीब इंसान को कभी नहीं सताऊंगा। जब ये बंदूक उठेगी तो सिर्फ मजबूर जो इंसान कर रहे हैं, सिर्फ उनके लिए उसेगी, मैं कसम खाकर कहता हूं सरदार जी। तो सरदार जी सुनो हमारी बात, कहो क्या कहना चाहते। जय भवानी, शक्ति दो मां, शक्ति दो मां, जो मैं अपने बहन के गिन गिन के बदले सर चुका सकूं। सरदार जी तो अगर मेरी तकदीर ने और दिया मुझे, तो अगर मेरी तकदीर ने और दिया मुझे हथियार, तो शंकर सिंह मुल के अदम और चौधरी,
मंजिल बहुत बहुत ज्यादा है। चलो अपने अड्डे की तरफ, हमें ले चलो और हमें अपना अड्डा दिखाओ और हम फिर उसके बाद प्लान बनाएंगे, सोचेंगे। चलो सरदार जी, चलो तुम्हें दिखाते हैं मेरे दोस्त भाई। और आज से संता सिंह वो नहीं बचेगा, ये मेरा वादा है। और चल कर आज तो लूट लो और संकर सिंह तो चल कर आज जे लूट लो और चल कर आधी रात और संकर सिंह तो छोड़ो नहीं भेजो। चलो सरदार जी, अरे अभी तक सोया है शंकर सिंह मखमल और गद्दों पर। अरे शंकर सिंह अभी तक सोया है मखमल और गद्दों पर, अब सुनाऊंगा तुझे कंकड़ा। सुलगती आग उसके हृदय से बुझाऊंगा, सुलगती आग उसके हृदय से बुझाऊंगा। ना लिया बदला तो मुंह नहीं, अरे लग चुका कंपा कहां जाएगा पंछी डाल का। अरे लग चुका कंपा कहां जाएगा पंछी डाल का। घर बैठे भोजन लाऊंगा शंकर सिंह तेरे। तो सीसा बन का पत्थर दो, पत्थर बन का सीसा दो, चमक उसकी दूर कर दो और शंकर सिंह तुझे चालू है दुनिया से। अरे कयामत मैं मचा दूंगा तूफान की लहर बनकर, अरे कयामत मैं मचा दूंगा तूफान की लहर बनकर, शंकर सिंह पे जुल्म ढाऊंगा बिजली के। सरदार जी ये वक्त नहीं है, चलो बढ़ा पैगाम। जय चम्मल से हमारा नारा होगा, मारो या मरो। क्या मेरा बेटा, मेरा बेटा अभी तक नहीं आया, ये क्या नहीं? कैसी हालत तुम्हारी ऐसी हुई है, ये कैसी हालत तुम्हारी हुई है, तुम्हें देख कर अगर जो आप जानना चाहते हो तो सुनो। हाँ और नहीं और कोई है दुश्मन हमारा।